Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes and we were reading chapter number 1, the trump of surgery and we came to know about Tricky, the dog who was pampered and overfed by his mistress Mrs. Pomfrey and Mr. Harriet who was a veterinary surgeon who was actually wondered to see the situation, the condition of Tricky, that how actually he was lolling his tongue out of the jaws and he was looking like a blotted sausage. Okay, kitna swelling hai, kitna fatty wo dikh raha hai, hugely fatty. So bahut zyada usme wo ho chuka hai, matlab overdose ki wajah se overweight wo ho chuka hai. And his mistress Mrs. Pomfrey, she was giving the excuse that Tricky was suffering from malnutrition. So it was not at all correct because of pampering she was telling like this, and according to him the Tricky was very weak, and because of this she could not she could give her extra meals and she could not refuse to give chocolates and cream cakes also. And Tricky was also this, at the same time he was very greedy and he didn't refuse the food at once. Okay, now we'll read the next part of the chapter. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food tight right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. So जो कुछ मिसेस पम्फ्रे कह रही थी वो सब उसे बहुत अजीब लगा सुनने में, कि मतलब ऑलरेडी ये डॉग इतना मोटा था जो ओवर वेट हो चुका है और उसके बाद में मिसेस पम्फ्रे कह रही हैं कि ये बहुत वीक है, तो फिर वो उन्हें स्ट्रिक्टली वॉर्न करते हैं मिसेस पम्फ्रे को. मिस्टर हैरिट बोलते हैं कि आपने अगर स्ट्रिक्टली इसकी डाइट को कंट्रोल नहीं किया, इसे स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज नहीं दी, तो ये सच में बीमार हो जाएगा. आपको अपना दिल बहुत हार्ड करके इकट्ठा करके अपना दिल और इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट पे लगाना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो सकेगा. मिसेस पम्फ्रे व्रंग हर हैंड्स. ओ आई विल. अब मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने हैंड्स घुमाते हुए बोलती हैं, ठीक है मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. उसने कहा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आई थिंक आप राइट हो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. सो वो वापस से अपना सिर नीचे करके और वापस रोड पर चल पड़ी. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a rain coat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. So मैं उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, मिस्टर हैरियट, और वो देख रहे थे कि किस तरह जो ट्रिकी है वो अपने ट्वीट कोट, उसका जो कोट था जो उसने पहना हुआ था छोटा सा, उसमें किस तरह से वो मतलब बाहर की तरफ उसकी स्किन लटक रही है, किस तरह से उसको इतना टाइट है, वो टॉटरिंग कर रहा है, यानी कि नीचे उसकी स्किन लटकती जा रही है. एंड ही हैड अ होल वार्डरोब, यानी ट्रिकी के पास में उसकी मिस्ट्रेस ने इतना ज़्यादा उसे पैम्पर्ड कर रखा है कि उसके पास अलग अलग वेदर के हिसाब से अलग अलग कोट्स हैं, जैसे कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट्स हैं, रेन कोट्स हैं वेट वेदर वेट डेज के लिए, और जब रेनी सीजन होता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर रखा था, अलग अलग ड्रेसेस दे रखी थी, अलग अलग मतलब उसे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ में उसे रख रखा था. और मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं है कि जब मैं मिसेस पम्फ्रे मुझे कॉल करके बताएंगी कि ट्रिकी इल हो चुका है, बिकॉज इतना ज़्यादा इसको ओवर पैम्परिंग कर रखा है तो ऑब्वियसली वो इल होने वाला है. और उसे यकीन था कि मिसेस पम्फ्रे जो है इसे डाइट पर भी नहीं डाल पाएंगी. The expected call came within a few days. और जैसा कि मिस्टर हैरिट को लगता था कि द कॉल विल कम ऑफ मिसेस पम्फ्रे, ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों बाद मिसेस पम्फ्रे का कॉल गया मिस्टर हैरिट के पास. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes and besides, तो ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, इवन उसकी जो फेवरेट डिशेज हैं उसको भी वो नहीं खा रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है.
ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पेंटिंग, और वो अपना सारा टाइम जो रग है, वो रग यानी क्या होता है कि जो हम बोलते हैं ना फ्लोर पे हम बिछाते हैं कारपेट टाइप्स है ना, तो उस पर वो बैठा रहता है. एंड पेंटिंग, पेंटिंग यानी हाफ्ता रहता है वो. डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल डीएक्टिव हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है और कुछ भी नहीं करना चाहता है वो. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने मेरे प्लानिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर हैरियट को पता था कि फ़ोन आने वाला है, हैरी जो ट्रिकी है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो उसने सारी प्लानिंग एडवांस में कर रखी थी मिस्टर हैरियट ने. द ओनली वॉज वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि ट्रिकी जो है उसको एक पीरियड के लिए हाउस से बाहर निकाला जाए, मतलब उसको घर से बाहर करा जाए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फॉर्टनाइट टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसने एक ही प्लानिंग बना रखी थी कि किसी ने किस तरह ट्रिकी को घर से निकालना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और उसके बाद में उसे हॉस्पिटलाइज कर देना पड़ेगा और अपनी ऑब्जर्वेशन में मिस्टर हैरियट उसे रखेंगे. फोर्टनाइट मतलब होता है 15 डेज के लिए, ठीक है. सो 15 डेज के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि इसे हॉस्पिटलाइज कर दो और उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, पुअर लेडी सुन के कि 15 दिन ट्रिकी मुझसे दूर रहेगा, हॉस्पिटलाइज रहेगा, बहुत ज़्यादा एकदम से निराश हो चुकी थी. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, तो वो बिल्कुल श्योर थी कि मतलब अगर ट्रिकी रोज़ मतलब उनको नहीं देखेगा मिसेस पम्फ्रे को, तो वो बिल्कुल मर सा जाएगा, उससे वो नहीं जी सकता मिसेस पम्फ्रे के बिना. बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट ने बिल्कुल स्ट्रॉन्गली, फॉर्म मतलब वेरी स्ट्रॉन्गली, बहुत सटीक वे में कह दिया था कि नहीं, आपको हॉस्पिटलाइज 15 डेज के लिए करना ही पड़ेगा. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और सिर्फ ये एक ही एक साधन था जिससे कि वो उसे बचा सकते हैं. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डीले, और वो ये चाहते थे कि बिना किसी डीले के वो जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटलाइज कर दें. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. सो जो मिसेस पम्फ्रे हैं उनकी इजाज़त, जो बहुत कठिनाई से वो इजाज़त दे रखी थी, तो वो जो मिस्टर हैरियट हैं वो उन्हें लेने के लिए अपनी कार लेकर और मिसेस पम्फ्रे के घर पहुंच गया और उसको ब्लैंकेट में रैप करके और उसे घर में लेने मतलब उसे वापस अपने हॉस्पिटल में लेके आने वाला था, ठीक है. सो दिस इज़ इट एंड आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.